अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर के हवाले से है, जिसमें हम पाकिस्तानी स्टडीज के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये गेस्ट पेपर साइंस और कॉमर्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 10 एमसीक्यूज 10 नंबर के लिए, सेक्शन बी में 6 सवाल करने होते हैं और हर सवाल 4 नंबर का होता है, तो सेक्शन बी जो है टोटल 24 मार्क्स का हो गया। इसी तरह से हमारे पास सेक्शन सी में आपको 2 सवाल करने होते हैं, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो आपके पास टोटल उसके 16 नंबर हो गए। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 6 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 8 नंबर का है और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं किसी 3 में से। तो अपने गैस पेपर को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को देखते हो तो मैंने यहाँ पे इस पेज पे 10 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट के बताए हैं, टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। ये जो फर्स्ट पेज पे आपको 10 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये सेक्शन बी के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ सवालात आपके पास सेक्शन सी में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह से एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इम्पॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो आपने इस में से जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं वो आप इस तरह से तैयार करो कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख पाओ, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सको। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इनमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 2020 के लिए, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप स्टूडेंट्स इन तमाम क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर पेपर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो उनका पेपर एटलीस्ट ठीक हो जाए। तो ये हमारे पास सेक्शन बी के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से हमारे पास सेक्शन सी के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि कुछ यूँ हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो उर्दू ऐसा नेशनल लैंग्वेज दिया है, ये सेक्शन सी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, और साथ में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को रखा है, तो ये भी हमारे पास 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो 2020 के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान है। चौथे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं, ये लॉन्ग के लिहाज से हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें भी यही है कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन, इनको आप लॉन्ग की तरह से प्रिपेयर करोगे, लेकिन अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ जाता है तो आप उसको शॉर्ट में भी लिखने का तरीक़ेकार आपको आता हो, ताकि आप उसमें शॉर्ट में लिख सको। याद रहे कि हमारे पास जो पेपर है वो 2 घंटे का है, और आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में लिखना ज़्यादा पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को इतना लंबा लिख दो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम ना रहे, या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन को इतना लंबा लिख दो कि आपके लिए शॉर्ट के लिए टाइम ना रहे। तो मेरा मशवरा यह है कि ये 1 घंटा 45 मिनट में आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी करना है।
तो 1 घंटा 45 मिनट में कोशिश ये करें कि 45 मिनट्स में आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाए। बाकी जो 1 घंटा है उसमें हाफ आवर एक क्वेश्चन को दे दो आप और हाफ आवर एक क्वेश्चन को दे दो। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा और अप्रॉक्स जितने पार्ट्स आपने करने हैं और जितने लेंथ के लिहाज से करना है वो भी आपका सही से हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस गैस पेपर से काफ़ी हेल्प होगी। ये 18 क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इस 18 क्वेश्चन से आप के पाकिस्तान स्टडीज़ के 50 मार्क्स का पेपर हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा हासिल करोगे और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।